मेरी वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको निंजा लेजेंड्स खेल के दिखाऊंगा। रोब्लॉक्स में एक गेम है, तो मैंने अपना अवैटर फिर से चेंज कर लिया, वही वाला लगा दिया, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं अच्छा लगे ना लगे पता नहीं। तो इस गेम में आपको करना क्या होता है, दूसरे लोगों को आपको किल करना होता है और कुछ रैंक्स बढ़ानी होती है इसमें। सपोज आप ऐसे ऐसे मार रहे हो, हम मैंने फुल कर लिए, आपको सेल पे जाना होता है, सेल पे जैसे ही आप गए आपके पैसे बढ़ेंगे, जैसे इसके हिसाब से आपका जैसे पैसा बढ़ा। देखो तो अभी मेरे चल रहे हैं 4.04 QA, पता नहीं कौन सी करेंसी होती है, पर होती है करेंसी यहाँ पे गेम में। इसमें ऐसा ही होता है, QI होता है, QA होता है, ऐसे मिलियन ट्रिलियन तो आपको पता ही है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वैसे ही होते हैं। तो इसमें आपको जंप करते करते आइलैंड्स पे जाना होता है, और यहाँ पे मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा जगह दिखा सकता हूँ। यहाँ का नीचे आपको कुछ स्वॉर्ड्स खरीद सकते हैं, मैंने अभी ये स्वॉर्ड इक्विप की हुई है। ये हमारी टोटल एक वैली है, किसने मारा मुझे, हम दूसरों को मार भी सकते हैं, अपनी जो स्वॉर्ड है इस स्वॉर्ड से हम दूसरों को मार भी सकते हैं। सब मैंने वन दबाया, मेरा नंबर वन पे होती है स्वॉर्ड। जैसे अगर कोई बंदा मिला आपको उसको सोल ले सकते हो। अभी मेरा फिलहाल 41, हाँ 41 सोल था, मतलब मेरे टोटल 41 लोगों को मारा है। तो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा बहुत मार रहा है मुझे। तो अब मैं जाऊंगा अपने कुछ आइलैंड्स में, मैं आपको सारे आइलैंड्स के नाम भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से वहीं से जाता हूँ एकदम यहाँ से टॉप्स। यार डुअल हुआ है तो मैं डुअल में सबसे पहले आपको जाके दिखाता हूँ डुअल में होता क्या है। ये आ गया मैं डुअल में गो। तो यहाँ पे सपोज हमें फर्स्ट करना क्या होता है कि लोगों को किल करना होता है। यहाँ पे कोई होगा, किल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे किल करना होता है लोगों को। मैं शरीकन से मारूंगा, शुकन जो भी होते हैं। वो बंदा जंप किया, हाँ किया वो रहा। तो हमारे को सपोज बंदों को मारना ही होता है, तो डुअल ऐसे ही ख़त्म होता है। शरीकन लू और अरे कहाँ गायब हो जाता है। तो ऐसे हमारे को जंप्स भी अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड स्किल्स पे जाकर हम जंप्स भी अपग्रेड करते हैं। मैं जाके दिखाऊंगा अभी, डुअल ख़त्म हो जाने दो। हमारे को सपोज मेन चीज़ करनी क्या होती है कि हमारे को डुअल में सब कह रहा हूँ, हमारे को वो सर्वाइव करना होता है और उससे बचना होता है जो भी बंदे, बहुत से लोग आ सकते हैं टोटल हमारे में इसमें डुअल में। तो अभी मैंने कुछ आइलैंड्स एक्सप्लोर किए हुए हैं, उसके हिसाब से हमारे को नई नई स्वॉर्ड भी मिलती है। इस वैली में हमारे मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, इन एंडिंग ख़त्म होने वाली है डुअल। और ये हो गई डुअल, जैसे मैं जिसे बोलता हूँ वैसे ही डुअल खत्म हो गई। सर्वाइविंग का हमारे को कुछ जेम भी मिलते हैं। ये हमारे सारे आइलैंड्स दिखाता हूँ, ये हमारे सारे आइलैंड्स, प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऐसे ही देख लो। ये हमारे सारे आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड होते हैं इसमें, तो हमारे को उसको एक्सप्लोर करना होता है। हम कुछ पेट्स भी इक्विप कर सकते हैं, जैसे दो मैंने लिए हुए हैं दो पेट्स, तो यही दो पेट्स को मैं इक्विप करके रखा हूँ। और इनका लेवल इन पेट्स से बस पता नहीं शो ऑफ कर सकता हूँ, मतलब जैसे लोगों को अच्छे अच्छे पेट दिखा सकते हैं। तो अभी मैं जितना आइलैंड मैंने ख़त्म किए हुए मैं उस पर जाता हूँ। मैंने बहुत अच्छी रैंक लगाई हुई है इम्पोर्टल असैसिन, ये बहुत बहुत दिनों बाद मुझे मिली है। तो यहाँ पे बाय आइटम्स पे जाकर ये रही स्वॉर्ड सारी, ये बेल्ट्स और ये रैंक। रैंक पे मैंने ली, सबसे पहले आपको मिलती है रूकी, रूकी बाद ऐसे ऐसे हमारे को मिलती जाती है। मैंने अभी इतनी सारी ख़त्म की हुई है, तो मैं अभी हूँ इम्पोर्टल असैसिन में। मेरा अगला है एंटरनेटिव हंटर, तो एटर्निटी हंटर के बाद ऐसे ऐसे रैंकिंग आती जाती है, हमारे को नई नई रैंकिंग खोलते हैं। तो ये हमारा अपग्रेड स्किल्स, मैंने बताया था आपको अपग्रेड स्किल्स, जिसमें आप जंप बढ़ा सकते हो, ये 2 डबल जंप 3 डबल जंप। और ये शरीकन्स है, शरीकन्स ये निंजा स्टार्स टाइप ही होते हैं, तो आप इनसे भी लोगों को दूर से ऐसे, बट आप सेफ जोन होते हैं कुछ, तो उनसे आप इसको स्नाइप कर नहीं सकते हैं। स्नाइप करेंगे तो वो तो स्नाइप हो ही जाएंगे, पर वो स्नाइप करेंगे तो स्नाइपिंग करते करते दूसरे लोग जिसको भी मार रहे हैं तो उसको डैमेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सेफ जोन से बाहर से अगर हम करेंगे
तो उसको डैमेज मिलेगा, पर वो हमारे को मार भी सकता है। जैसे ये किंग की प्लेस है, अगर आप बैठ जा यहाँ पे आ जाते हो और अगर कोई है नहीं तो आप दूसरे बंदे की मतलब हमारे को ऐसे जेम्स मिलते जाते हैं। मैं ऐसे इस बंदे को मारने की ट्राई कर रहा हूँ, ये ड्यूअल स्टार्ट हो गई फिर से, तो मैं ड्यूअल जाता नहीं हूँ मतलब। ए बचो इस बंदे से, अच्छी स्वॉर्ड है मुझसे, मैं तो बचता हूँ लोगों से। अगर मेरे से ज्यादा स्वॉर्ड अच्छी, अगर ज्यादा स्वॉर्ड होती है तो उस पे हम दूसरे लोगों को मार सकते हैं, अगर हमारी उनसे अच्छी होती है और ज्यादा डैमेजेबल होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जितने मैंने आइलैंड करे हुए हैं, इसमें आप आपको जंप्स, मैंने जंप्स बताए, तो जंप करते करते आपको आइलैंड्स पे जाते हैं प्लेटफॉर्म धीरे धीरे। एशियल आइलैंड, मैंने एशियल आइलैंड तक कंटिन्यू किया हुआ है, तो अभी यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से आपको जंप जंप करते करते जाना होता है। ये आपका इस पे बस मैं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया इसमें अपने आप आपको हेल्प होती है, तो यहाँ पे जंप्स वेस्ट भी होती है आपका। आपने जितनी जंप्स खरीदी भी है तो वो जंप्स आपकी रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे जितनी आपने डबल जंप्स करते गए हो वो जंप्स वेस्ट होगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मिस्टिकल आइलैंड पे। मिस्टिकल आइलैंड पे हमारे को कुछ ऐसे आइलैंड है जिसमें आपको सिर्फ चेस्ट मिलेंगे, आपको खरीदने की वाली शॉप नहीं मिलेगी। वैली में तो शॉप मिल ही गई थी, एस्टियल आइलैंड पे भी आपको शॉप मिलेगी, अब मिस्टिकल आइलैंड पे नहीं मिलेगी आपको। तो अब मैं जल्दी जल्दी पहुंचता हूँ, स्किप कर दूँ, स्किप कर भी सकता हूँ मैं, कभी कभी पता नहीं चलता कि मैं एक बार कर रहा था, मैं एस्टियल मतलब मैं वैली से मिस्टिकल आइलैंड पर जा रहा था, मिस्टिकल आइलैंड कह रहा हूँ उस पे, एनचैंटेड आइलैंड पे जा रहा था, तो एनचैंटेड आइलैंड को मैं मतलब मुझे मिला ही नहीं रास्ते में, और मैं डायरेक्ट एस्टियल आइलैंड पर पहुंच गया। फिर मैंने मिस्टिकल आइलैंड तो मिस कर दिया था, तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैं करके अब पहुंचूंगा। जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, पहुंच जाऊंगा जल्दी बस। तो अभी मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ऐसे, जल्दी जल्दी करो भैया। इसमें ये मैंने कर दिया, तो अब मैं जाऊंगा आगे, ये आ गया हमारा मिस्टिकल आइलैंड। तो ये मैंने मिस्टिकल आइलैंड कर दिया, ये आ गया है हमारा क्या कहते हैं वो चेस्ट है हमारा, जिससे हमारे को रिवॉर्ड मिलते हैं। तो इन चेस्ट से हमारे को ची मिला, चीन का वो होता है, फिर से ड्यूल आ गया। तो ये चीज़ें भी आप पेट्स खरीदते हो, वरना नॉर्मली कॉइन से तो आपको पेट्स नहीं मिलेंगे, मिलते होंगे शायद अलग अलग आइलैंड पे। तो ये मैंने आपको टेलीपोर्टर बताया था, इस पर आप खड़े हो, ट्रैवल टू वैली, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैली पे चले जा सकते हो येस और नो में। तो अगर नो दबाया तो आप नहीं जा पाओगे, येस दबा दिए तो हम नीचे, देखो वैली का पूछा, मैंने येस दबाया, पहुंच गया मैं वैली में मिस्टिकल आइलैंड। तो मैंने अभी मिस्टिकल आइलैंड का सामान तो मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि उसमें शॉप नहीं है। तो अभी फिलहाल मैंने आइलैंड्स तो आगे के सारे खत्म किए हुए हैं, मैं एक बार आपको किंग के प्लेस में जाकर ट्राई करता हूँ, पर ये बंदा तो हट ही नहीं रहा है। कौन सी रैंक है, मुझे बस देखनी है इसकी रैंकिंग। ओ ये ग्रास हॉपर है, इसको मैं मार डालता हूँ, मारो, ये मर गया। देखो ये ई से मैं सोल ले सकता हूँ, ये मैंने सोल लिया और मैं किंग बन गया, मेरे ऊपर नाम ऊपर किंग आ रहा होगा, मुझे सोल मिल गया, मेरा हो गया 43 सोल। कभी कभार 1 सोल भी मिलता है, कभी कभार 2 सोल भी मिलता है। तो यहाँ से आप ऐसे क्लिक करते जाओ, आपके निंजस्तुस बढ़ते जाएंगे। जैसे ही मैं, ये ड्रैगन एवोल्यूशन फॉर्म 4 है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।